लू स्टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में आपने पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत दिनों बाद एक तारीख़ी फैसला आया है कि शादी पर खाने की पाबंदी बहुत अच्छा फैसला है जिसको हमारे यहाँ तकरीबन हर पढ़े लिखे आदमी ने सराहा आज मेरे मेहमान हैं उनकी शादी होने वाली है और इनकी उम्र काफ़ी है ये इस फैसले से बहुत परेशान है मुझसे कहने लगे कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मैंने इनको दावत दी तशरीफ़ ले आए तो आइए इनसे बात करते हैं अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम इस्लाम में सब, सलाम का जवाब देना बहुत ज़रूरी है सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है कि शादी ब्याह पर खाना आप नहीं खिला सकते और ये मेहंदी और माइयों की रस्में जो हैं ये ख़त्म कर दी गई हैं बोल चुके जी अब मैं बोलूँ जी क्या करूँ कहाँ जाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा पंद्रह सौ मेहमानों को लेकर कहाँ जाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि शादी पर खाना नहीं होगा ठीक है भाई फैसला कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने शादी पे खाना नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट को बड़े-बड़े फैसले करने हैं जी बहुत-बहुत फैसले करने थे उनको फैसले बडे करने थे भाई अंदर एक सवाल मैं धर रहा हूं कि चिकन टिक्के और बिरयानी पर इस्लाम में पाबंदी कौन सी किताब में लिखी हुई है मगर हुजूर अगर, अगर मगर अगर मगर नहीं मैं जरा टेड़ा में मान देखे मैंने तुम्हारे प्रोग्राम मैं जरा डिफिकल्ट और डिफरेंट आदमी हूं बिरयानी और चिकन टिक्के पे इस्लाम में कौन सी किताब के ऊपर पाबंदी है देखिए नहीं मैं इस्लाम में टिक्के और बिरयानी के ऊपर कौन सी किताब पर पाबंदी हो किताब बताओ मुझे मैंने इस्लामिक हिस्ट्री नहीं पढ़ी नहीं पढ़ी ना इस्लामिक हिस्ट्री मैंने पढ़ी पीपुल सुल्तान से लेकर कैसे पीपुल सुल्तान से लेकर जनरल परवेज मुशर्रफ तक मैंने तमाम इस्लामी हिस्ट्री पढ़ी है मुझे तो कहीं किसी किताब में नहीं, नहीं नजर आया कि चिकन टिक्के बिरयानी के ऊपर पाबंदी है मगर मेरे भाई नहीं भाई भाई नहीं किताब दिखाओ वो किताब, किताब दिखाओ बड़े राइटर बनते हो ना किताब दिखाओ जिस किताब के अंदर टिक्के बिरयानी के ऊपर इस्लाम में पाबंदी देखिए इस्लाम जब शुरू हुआ था तो ना बिरयानी थी ना चिकन टिक्के थे तो, तब तो मैं क्या करूं अब एक मजबूरी है आप चुपचाप शादी कर चुपचाप नहीं कर सकता शादी भाई क्यों चुपचाप शादी इसलिए नहीं कर सकता मैं कि जो मेरी होने वाली ससुरालिये हैं बड़ा बोलते बहुत बोलते हैं भाई बहुत बोलते हैं अब देखो दर कैलकुलेशन करना 500 मेहमानों को बुलाया था मायो में 250 मुर्गियां खरीदी और अपने सहन में छोड़ दी मेहंदी के अंदर बुलाए थे 1500 मेहमान 700 मुर्गियां मंगाई और ताया के छज्जे पर छोड़ दी मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं आपके सामने भाई कि उन मुर्गियों का फैसला कौन सी कोर्ट करेगी मुझे यह बता दो मगर एक बात कि जब शादी होती है तो शादी के दिन का इंतजाम तो लड़की वाले करते हैं हाँ करते हैं बिल्कुल करते हैं आपकी बात से मैं करता बिल्कुल करते हैं लेकिन इस उम्र में अगर शादी होती है तो फिर इंतजाम लड़के वालों को करना पड़ता इतनी है इतनी मुर्गिया क्यों मंगवा लिया आपने किसने आपने मेरे जो होने वाले वो साले खाते ही मुर्गी अब इसमें क्या मुझे तो इतनी टेंशन हो रही है इस वक्त कि वो खाते ही मुर्गियां अब उनके मुर्गी खाने की वजह से मुल्क के जितने भी मुर्गे हैं बेचारे वो अकेले फिर रहे हैं कोई जॉब ही नहीं है उनके पास अकेले फिर रहे हैं मगरब तक रोते रहते हैं मगरब के बाद लेते हुए अकेले सो जाते हैं वलीमे के लिए नहीं खरीदी आपने आ? वलीमे के लिए नहीं खरीदी अगर वलीमा हो गया तो अनवर भाई ये जिस तरह की सिचुएशन चल रही है ना मुझे तो नहीं लग रहा लेकिन अगर हो गया तो होटल में होगा वलीमा जो है वो होटल में होगा अब देखो शादी ब्याह जो है एक्चुअली शादी ब्याह के ऊपर तुमने तो ये बात नोट करी होगी कि जहेज बड़ा मिलता है बगैर जहेज के तो शादी नहीं होती नहीं बिल्कुल अब ये मैं तुमको अंदर की बात बता रहा हूं अपने खानदान के अंदर की कि जहां मेरी शादी हो रही थी तो वो वहां से मुझे बड़ा जाहज मिल रहा था मगर हजूर मेरे भाई इस्लाम में जहेज का तस्वर नहीं है अबे सिर्फ यही एक चीज इस्लामी रह गई है बाकी तो ऐसे समझ रहे हो जैसे सारी चीजें इस्लामी हो रही सिर्फ ये चीज इस्लामी हो रही है क्या एक ही चीज इस्लामी हो रही है यहां पर वो भी बचपन में हो जाती है सबके क्या इस्लामी अब कुछ नहीं हो सकता ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है भाई इसीलिए तो मैं कुछ न... धर नहीं रहा हूं कोई बयान नहीं धर रहा हूँ मैं धर लिया जाऊंगा मैं मैं तो ये कह रहा हूँ मेरे रिश्तेदार जो है ना वो सब आएंगे वहां से न्यू कराची से किधर से आएंगे भाई न्यू कराची न्यू कराची से आएंगे अब न्यू कराची से जिस ट्रैफिक के अंदर सिंगल से गुजरना है, एक सिंगल से गुजरना दूसरे सिंगल पे गुजरना तीसरे पे ठहरना चौथे सिंगल पे ठहरना अब पहुंचेंगे दो घंटे के अंदर ढाई घंटे के अंदर दो घंटे ढाई घंटे में वापसी होगी उनकी रात एक डेढ़ बजे के करीब दाखिल होंगे जवाब दोल जब डेढ़ बजे रात को अपने घर के ऊपर जाएंगे एक बोतल पी के फकत तो क्या घर जाके घर वालियों से कहेंगे कि खाना पका के दो रात को दो बजे आप क्या करते हैं यार ये कोई सवाल करना रहा कि मैं क्या करता हूँ साढ़े सात सौ मुर्गियों को खाना देना कोई मामूली बात नहीं है भाई साढ़े सात सौ मुर्गियों को दाना देता हूं चार सौ मुर्गियों को ताया के घर में जाके दाना देता हूं क्या करती है पाया की भी एक अजीब स्टोरी चल रही है अजीब स्टोरी चल रही है ताया की भी मैंने पास पड़ोस से मालूम कर रहा मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि क्या कर रहे हैं वो ताया मेरी मुर्गियों में से जो अंडे निकल रहे हैं उनको बेच बेच के दबा दब खा रहे हैं लोटस मचाई दी है उन्होंने लोटस माल मेरा लड़ रहे हैं अंडे वो बेच रहे हैं आमदनी उनकी हो रही है क्या सोचा है आपने मैंने तो एक बात अजीब सी सोच लिया भाई मैंने तो ये सोचा है कि जो जिंदा मुर्गियां ना कागज़ में लपेट के बरातियों को दे दूंगा मैं के घर जाके पका लें जिस तरह का चाय पका लें उनको बस एक एक रिबन लाल रंग का बांधना पड़ेगा नरखरे के ऊपर उसका खर्चा पड़ेगा लाल रंग का रिबन बांध देंगे मुर्गी जिंदा ले जाए ताकि जिसके जो मर्जी आया पकाए खड़े मसाले की पका ले फ्राई कर ले भून ले जो मर्जी आया करे जिंदा मुर्गियां दूंगा तब जिंदा बुर्गी तो अबे तक अबे तक कटी भी बुर्गी के ऊपर तो पाबंदी धर दिया ना भाई सुप्रीम कोर्ट ने आप बुर्गी बेचते आइडिया मत दो मुझे मुझे बिल्कुल आइडिया मत देना ओह डांस की ऐसी प्रैक्टिस चल रही थी भाई हमारे वहाँ पर के खानदान की मामूली शक्ल की औरतें भी ऐसी अच्छी लग रही थी और 124 खानदान की लड़कियां जो थी ना बत्तियां वो जाए रखना के ऊपर ऐसा डांस ही प्रैक्टिस हुई है बत्तियां वो जाए रखना वो नया बड़ा गाना चल रहा है जो उसके ऊपर ऐसी प्रैक्टिस की और सबके 124 लड़कियों के एक जैसे लिबास सिलवाए थे पीला जोड़ा मुझे कहते हुए हुजूर एक दुख हो रहा है कि आप है? अपनी उम्र देखें और अपनी शादी का एहतमाम अपनी क्या मतलब है उम्र देखे क्या मतलब है मैं कोई सिकल पेटे में हूं उम्र की क्या कैद होती है शादी के अंदर भाई किस तरह की बात कर रहे हो तुम तो? नौजवानी से कोशिश शुरू करी थी अब जाके कन्फर्म हुआ और वो भी इस बात के ऊपर लड़की वालों ने कन्फर्म किया कि भाई ये जो मायूं और मेहंदी है ना ये शादी से ज्यादा इसमें एहतमाम होना चाहिए हुल्ला होना चाहिए तो लड़की वाले बगैर क्योंकि मेहंदी और मायूं की रस्म अब खत्म हो चुकी है कि नहीं हो सकती आप लोगों को नहीं बुला सकते दावत पर और खाने पर और इस तरह की चीजों पर तो उसके बगैर वो तैयार नहीं होंगे आपसे शादी करने के लिए क्या का मतलब कौन सी जबान में हाँ होता है देखें आप जी बड़ा मजा आ रहा है आपसे गुफ्तगु करके किसे भाई तुम्हें आ रहा होगा मुझे तो कोई खास मजा नहीं आ रहा मगर भाई साहब फैसला जो किया गया है उसमें यह भी कहा गया है कि मेहंदी और मायो की रस्में जो है वो हिंदुवाना रस्म ठीक है तो फिर ऐसा कर रहा सरकार पंद्रह सौ आदमियों का टिकट दे दे हम जाके ये रस्में जो है वहां पर उधर बनारस के अंदर मना लेंगे आपकी वालदा है जाहिर दोनों वालिद तो नहीं हो सकते मेरा मतलब तीस हाँ बिल्कुल मतलब जिंदा हैं आप देखो ठीक भी हैं ठीक है हाँ वालदा ठीक है वालिद साहब वालिद साहब को देखो एक अजीब हरकत करी नाक कटवा दी उन्होंने क्या किया कि हमारे घर में से हिजरत करके किसी दूसरी के पास चले गए और उन्होंने जिंदा रहने से ज्यादा मौत को तरजीह दी बगैर कोमे में गए हुए जो है ना वो दुनिया से निकल लिए नाउ आई एम यतीम फेसिंग द न्यू ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन दिस मैरिज uh, ड्रेस uh, पहले को रिश्ता नहीं है माजी को क्यों कर रहे भाई माजी को क्यों कर रहे मैं, मैं इज्जत दे रहा हूँ मैं आपको ये बता रहा हूँ मैं कि मैं सदर साहब की पॉलिसियों का हामी हूं जो वो कह रहा हूं मैं बिल्कुल मान रहा हूं उसको उनका जो नान उन्होंने जो वो दिया है ना कश्मीर का सोल्यूशन मैं उस पर भी उनके साथ हूं मैं वर्दी के मामले में भी उनके साथ हूं खुदा के लिए सदर साहब को कहते छः दिसंबर को जो है ना मेरी शादी है छः दिसंबर तक खाना खोल दो उसके बाद खाने पर लानत भेजे शादी पर भी पाबंदी लगा दे प्लीज मेरे भाई आपने जो बातें कही है वो सब सही है आप सपोर्ट कर रहे हैं हर चीज पे सदस्य आपको सपोर्ट कर रहे मगर एक दूल्हा को इजाजत नहीं मिल सकती यार मैं एक बात ये कह रहा हूं कि सत्तावन वर्ष के बाद मालूम कि सारी रस्म जो है हिंदू आना है अच्छा फर्ज करो भाई अगर फर्ज करो कि मैंने ये रस्म कर ली तो क्या होगा आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी पुलिस नहीं पकड़ेगी क्यों मैं दे उनके आगे कर दूंगा कभी तुम भी खाओ सारे पुलिस वाले एक से नहीं मुझे बताने की जरूरत नहीं कि सारे पुलिस वाले मेरे अब खुद पुलिस के अंदर थे पूरी जिंदगी के अंदर उन्होंने दो चोर पकड़े और दस हजार चोर छोड़ दिए और देखो उनको जो है दस हजार चोर छोड़ने के ऊपर तमगे भी मिले जो दो चोर आपके वाले साहब ने पकड़े वो कौन थे बस अब क्या मैं उनके ही अपने महत्मा के थे ये तो पुलिस से पुलिस निकलाई ना मतलब बात निकली पुलिस की तो पुलिस ने निकलाई इसलिए मैंने जिक्र कर दिया मैं तुमको एक बात बताऊं ये रस्म करने को मेरा दिल तड़प रहा है भाई आप ये रस्म करना चाहते हैं तो अपने करीबी दोस्तों को रिश्तेदारों को घर में बुलाए और तंबू लगाए घर में इजाजत है ये तुम जैसे बड़े लोगों की बातें हैं ये तुम लोगों के घर बड़े बड़े हैं ना इसलिए कर रहे हो मेरा घर नहीं देखा तुमने मेरा घर न बाद में आके देखो छोटा सा एक घर है उसके अंदर सारा सामान पड़ा हुआ है तो मूवमेंट की जगह नहीं है वहां पर नौकरानी भी बगैर छुए गुजर नहीं सकती डेली मुझे छू के गुजर जाती है मैंने तो उसको सॉरी कहने के लिए मना कर दिया यार रस्में करने को दिल तड़प रहा है यकीन जानो के के बराबर वाले मकान के अंदर है ना तंबू लगवा के तो डांस की प्रैक्टिस करवाई जी 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 अब क्या हुआ चार शादी हॉल जो है ना मैंने बुक करवाए थे फुल एडवांस के साथ अब ये कमाल कर रहे हैं कि वो बदमाशी कर रहे हैं हॉल वाले पैसे वापस नहीं कर रहे क्यों कहने लगे भाई हमने तो रस्में करने मना नहीं किया कर रहे हमारी तरफ से तो इजाजत है

और बिरयानी उनको नहीं खिला सकते मेरी जान सलाद भूल गए तुम क्या भूल गए सलाद कटा हुआ खीरा विद प्याज विद दही इन इस उम्र में आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं इसी उम्र के अंदर तो ये जब एक जिंदगी में एक मौका मिला है शादी करने का इस उम्र के अंदर ये सब पाबंदियां हमको ही झेलनी थी ये शादी गर्दी नहीं है बल्कि ये शादी गर्दी से ज्यादा दहशत गर्दी है कुछ the नहीं हो सकता सारे पढ़े लिखो लोगों ने इस फैसले की तारीफ की है कौन से पढ़े लिखे किस मुल्क के पढ़े लिखो की पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोगों ने इस फैसले की पाकिस्तान की तारीफ की है पाकिस्तान के पढ़े लिखो की बात कर रहे हो मेरा मुंह ना खुलवाना अगर मैंने उनको कार्ड दे दिया ना शादी का तो तुम देख लो जितने पढ़ लिखे लोग हैं ना अगर उनको ये पता चल गया कि खाना भी है वहां पर बरात के अंदर तो तुम देखो कि वो जो कौरमे की देह होगी ना उस उसपे सबसे पहले जाके खड़े होंगे और ढक्कन हटने से पहले ही ढक्कन हटा हटा के देख रहे होंगे कि किस रंग का सालन पक्का है और जब एंड में वापस घर जा रहे होंगे तो सबसे ज्यादा कुर्तों के ऊपर उनके ही सालन के निशान होंगे कौरमे के पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है मेरा ताया भी यही कह रहे थे

उसमें कम से कम पंद्रह सौ को तो करना है आप है। आप देखिए मेरी बात क्या सारे फंक्शंस करें हाँ और चुपके से जाके शादी मस्जिद में कर लें। कर कहा मस्जिद में वाह 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 मस्जिद में कर लें ताकि एंड में बराती जो है ईदी की एम्बुलेंस में आए मालूम यह हुआ कि दूल्हा की कटी हुई भी, भी बंद में लटकी हुई है और काजी साहब जो है अपनी फीस के साथ किसी के पे भाई पर तो लोग नमाजियों को नहीं छोड़ते तो को कौन छोड़ेगा भाई मेरे भाई मजबूरी है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आप कोई फंक्शन नहीं कर सकते तो फिर आप बताएं क्या करेंगे यार जीत रहा भाई अच्छा ही करा मैंने तुम्हारे प्रोग्राम में आ गया आईडिया आ गया ये बताओ उर्स पे खाने पे पाबंदी तो नहीं है उर्स पे उर्स पे उर्स पे आप लाखों लोगों खाना खिला सकते हैं बस तो आइडिया आ गया ताली मारो मार दो मार दो ताली मारो तो सही मार आइडिया आ गया मैं क्या करता हूँ भाई बोर्ड के ऊपर लिखवाता हूँ उर्सी मुबारक और एक लाइट वाले को वहां पर बिठा देता हूँ कि जैसे पुलिस का छापा पड़े तो वाव को बुझा देना तो वाव जब बुझ गया तो क्या रह गया

खातून थी उ बानो उनका नाम था बड़ी नेक खातून थी हम कह देंगे उनका उरुस हो रहा है। यार कैसी बात आ गई है दिमाग में तुम भी आना मैं अगर अगर आपका वलीमा हुआ तो न यार दिल पे ठेस पहुंची एकदम अगर न कहो अगर न कहो कहो आपके वलीमे में आऊंगा इतनी रिक्वेस्ट कर रही है मैंने सब बड़े बड़े लोगों से शायद खोल दें छह दिसंबर तक के लिए बाद में खाने पे तो दे भेजे शादी पे भी पाबंदी लगा दे मुझे कोई एतराज तो नहीं किस बात पे हो तुम्हारा भी इरादा है क्या करने का नहीं नहीं आ, मैं वली में पे सुबह अच्छा बड़, बड़ी मेहरबानी आपकी लेकिन आइडिया कैसा है उर्स का उर्सी मुबारक पुलिस का इधर छापा उधर उसने वहा बुझा दिया हा हाँ, हाँ। अल्लाह आपको खुश रखे आपको भी भाई अल्लाह पूरी कौम को खुश रखे भाई इस उम्र में एक एक गुजारिश कर दो आखिर में जी सदर साहब से छह दिसंबर तक खोल दे छह को मेरी शादी है उसके बाद लानत भेजें खाने के ऊपर शादी व्यपी पाबंदी लगा दे प्लीज कह दो मैं क्या कह सकता हूं हमें दुआ करना चाहिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़